जबलपुर से किसी अपरिचित की बाइक में बैठकर कटंगी पहुंची बहन से नाराज भाई ने त्रिशूल से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पड़ोस में रहने वाले लोग लड़की को फल वाले ठेले में लिटाकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जघन्य वारदात की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि कृष्णा नामक युवक को अपनी बहन के चरित्र पर शक था। इसके चलते वो अक्सर ही उससे मारपीट करता था और उसे किसी भी अन्य युवक से बात करने पर प्रतिबंध लगाता था। लेकिन जब उसकी बहन ने इस पाबंदी को नजरअंदाज किया तो कृष्णा ने रविवार की सुबह तकरार के दौरान त्रिशूल से हमला कर दिया। घटना के बाद किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की के पिता ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध ही नहीं हो सकी। समय की कमी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिता ने घायल बेटी को हाथ के ठेले में डालकर कटंगी के उप स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। स्वास्थ्य केंद्र ने उसे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, परंतु मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू होने से पहले ही किशोरी की मौत हो गई। किशोरी की मां ने बताया कि कृष्णा आए दिन अपनी बहन पर शक करता था और उसे किसी से बात करने की अनुमति नहीं देता था। किशोरी के पिता ने बताया कि बेटी जबलपुर गई हुई थी, लेकिन जैसे ही वो शहर से वापस घर पहुंची तो किसी ने उसके मझले भाई लवकुश उर्फ कृष्णा झारिया को बता दिया कि उसकी बहन किसी और के साथ गाड़ी में बैठ कर आई है। बहन किसी और के साथ कटंगी आई, इस बात से नाराज भाई ने गुस्से में आकर बहन राधा पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। भाई बहन थे दोनों, गुस्सों में मार दिया, दूसरों की बात में लग गए। हाँ, बहका के आग, तेरी बहन ऐसी हो से, तो उसको वो आग बरस गई। खत्म हो गई सर जी मेरी लड़की। हम तो सभी घूम भी आ गए थे। हाँ, सुबह पता चलो कि ये माने ऐसे ऐसे होगा वो है। लाख उसने मार दो कृष्णा, कृष्णा ने मार दो है राधा का। हाँ, क्या वो बजे जा रही के एक बार गीता रही, उन्हें कह रही जा फलाने की गाड़ी पे जा, एक दिन जबलपुर से बैठ के आई थी। वो गीता है एक तो वो सबके पूल है कि कहूँ जात से बंद हो जाए, कहूँ कछु हो जाए सुबह, वो सबके पूल है कि कहूँ जात से बंद हो जाए, कहूँ कछु हो जाए। मारा तो कृष्णा ने, लड़का ने। आपके लड़के? हाँ, हमारी लड़की। आपकी बेटी थी? हाँ, बेटा ही ने मारो। वो भी सगी बहन है, आज सगी बहन है वो। अब वो अकेले थे मारो। हाँ, अभी क्या हाल है बेटी की? खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, पोस्टमार्टम होगा वो। हाँ, वार्ड नंबर 6 ग्राम रक्षक कुटवार हैं कटंगी के। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि लड़की पड़ोस में रहने वाले 17 साल की एक लड़की के साथ बातचीत कर रही थी। फिर कुछ देर बाद लड़की पड़ोसी लड़की की बाइक पर बैठ गई। सब कुछ थोड़ी ही दूर खड़ा लड़की का भाई भी देख रहा था। जैसे ही लड़की बाइक पर बैठी, लड़के को वो बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने पहले बाइक से धक्का दिया और फिर त्रिशूल से एक साथ 4 वार कर दिया। लड़की दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन बेरहम भाई के सिर पर खून सवार हो गया था। घटना में घायल राधा को इलाज के लिए जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन उसे हाथ ठेला से कटंगी के शासकीय अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने की वजह से राधा को जबलपुर मेडिकल अस्पताल लाया गया था और डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस घटना के बाद हत्या का मामला दर्ज आरोपी भाई कृष्णा की तलाश शुरू कर दी है। कटंगी पुलिस अधिकारी शब्बीर खान ने जानकारी दी कि हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह अस्पताल से पता चला कि किसी लड़की को उसके भाई ने चाकू मार दिया है, तो वैसे ही हम उसके वहाँ इलाज करा करके यहाँ पर लेकर आए थे। पिता द्वारा बताया गया कि उसका भाई है लवकुश उर्फ कृष्णा झारिया, जिससे मृतिका राधा झारिया की पटती नहीं थी। किसी बातों को लेकर के वो लड़कीबाजी पे शक करता था, लड़की पे, बहन पे। उससे वो काफ़ी दिनों से गुस्सा था और लड़ाई झगड़ा करते रहता था उससे। तो आज उसने सुबह उसको गुस्से में कोई नुकीली चीज़ मार दिया है, उसी की जांच पर यहाँ आए थे। अभी प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, अभी जांच की जा रही है। ये परिजन है, कहाँ के रहने वाले? परिजन पंचमपुरा वार्ड नंबर 6 कटंगी के हैं। भाई को क्या गिरफ्तार कर लिया? नहीं नहीं, अभी प्रथम दृष्टया यहाँ पर मर्ग कायम किया है, वो आरोपी की तलाश पड़ताल की जा रही है। ये घटना समाज में बढ़ते अविश्वास और गलत फहमियों के डरावनेपन को उजागर करती है। साथ ही परिजनों का मानना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती
तो शायद उनकी बेटी की जान बच सकती थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।